बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण का टॉपिक संज्ञा पढ़ाने चल रही हूँ और संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण सब कराऊंगी, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। सबसे पहले प्रश्न उठता है, संज्ञा क्या है? संसार में बहुत सारी चीजों को हम आंखों से देखते हैं, जिन चीजों को हम आंखों से देखते हैं और हृदय में समझ सकते हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है, और ये नाम ही जो है वो संज्ञा होती है। जैसे हम आकाश कहें, जैसे हम तारे कहें, टॉफी कहें, किसी व्यक्ति का नाम ले, बनारस कहें, आगरा कहें, पेड़ कहें, कुत्ता बिल्ली वगैरह वगैरह जो भी कहें, तो ये सारे चीजों की जो एक ना एक कोई नाम होते हैं, इन नामों को ही वास्तव में हम संज्ञा कहते हैं। तो जितनी भी दुनिया में चीजें होती हैं, उनको किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, कोई ना कोई उसका नाम होता है जो हमारे समझने के लिए जिसे हम पुकारते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को हम संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात जब करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने कक्षा 6 में भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो परिभाषा यहाँ हेडिंग डाल देते हैं और लिखते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अभी संज्ञा की जो उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण क्या हो जाएगा कि जैसे राम आम नदी पेड़ आगरा इत्यादि, ये इसकी परिभाषा होगी। यानी कि इसमें जितनी भी चाहे किसी व्यक्ति को की बात करें, कोई वस्तु जो हमें दिखाई देती हो, किसी स्थान की बात करते हो, जो भी हम आंखों से देख सकते हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और उन नामों पे आधारित जो चीजें होती हैं वो सारी क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। तो मैंने संज्ञा की परिभाषा यहाँ दी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जैसे राम आम नदी पेड़ आगरा इत्यादि। अब हो गया संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा,
तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो ये जो है कुल तीन भेद हैं। और बहुत सारी पुरानी पुस्तकों में पहले संज्ञा के पांच भेद बताए जाते थे। पांच भेद में जो दो भेद और होते थे उन्हें हम कहते थे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वास्तव में समूहवाचक और द्रव्यवाचक होती तो संज्ञा ही है, मगर उस संज्ञा को हमने वास्तव में देखा जाए तो इस जातिवाचक संज्ञा का भी हिस्सा मान लेते थे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। परंतु अब इस दोनों को इसी में मिला दिया गया है। तो ये जो होती है संज्ञा के भेद में जातिवाचक संज्ञा, इस दोनों के मेल को भी इसी में शामिल कर दिया गया है। इसलिए मुख्य रूप से तीन भेद ही बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो ये तीनों भेद ही इसके मुख्य रूप से हो गए हैं। तो इसका जो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो रूप है वो हम नहीं मानते, तो इसको मैं रफ कर रही हूँ, तो इसको मैंने इसी में शामिल कर दिया है। ये मैंने समझाने के लिए अलग से किया था, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखूंगी। चलिए पहली हेडिंग डालते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जैसे यहां परिभाषा दी गई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसी में जब हम ये विशेष जोड़ दें, किसी विशेष वक्त, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बस इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसमें विशेष यानी नाम कोई हो विशेष हो, स्थान कोई हो विशेष हो और वस्तु कोई हो तो विशेष हो, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा लिखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान विशेष वस्तु, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया, परिभाषा इसकी हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उदाहरण लिखूंगी। यहाँ नीचे लिखती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लीजिए। व्यक्ति में राम, रहीम, सीता,
मनोहर आदि हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूं, स्क्रीनशॉट लीजिए मैं रब करूं। चलिए रब करते हैं और बाकी ऊपर लिखते हैं। स्थान में, स्थान में वाराणसी, आगरा, मथुरा, दिल्ली इत्यादि हो गया। फिर वस्तु में रामायण, रामायण पपीता आम इत्यादि तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान का जिससे बोध हो, यानी सब में विशेष चीजें हो। हम जब संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं तो कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। तो हमने विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान को यहाँ उदाहरण में मिला दिया, जिसको कि देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं वस्तुओं पदार्थों पदार्थों स्थान आदि की पूरी जाति का बोध हो उसे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे सब्जी, फल, मनुष्य, लड़के,
विद्यार्थी बच्चा लड़कियां शहर नदी पर्वत इत्यादि। अब ये पूरे समूह का नाम है। अगर हम शहर कह रहे हैं और शहर में वाराणसी नहीं कह रहे हैं तो शहर यहाँ जातिवाचक हो गया, लेकिन हम अगर आगरा कह दें, अगर हम वाराणसी कह दें, हम मथुरा कह दें, दिल्ली कह दें, तो यहाँ पर ये विशेष हो गया। लेकिन ये यहाँ पर शहर कहने पर ये समस्त शहरों की का जो समूह है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जातिवाचक हो गया, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो ये इसकी पहचान का तरीका हो गया। हम शहर की बात कर रहे हैं लेकिन जब किसी विशेष शहर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम वाराणसी कहकर एक विशेष शहर की बात कर रहे हैं, आगरा कह के हम विशेष शहर की बात कर रहे हैं कि ताजमहल आगरा में है, यानी वो ताजमहल एक विशेष शहर में है, तो आगरा तो ये विशेष, ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही फर्क है कि पूरी समूह जाति का बोध कराता है, चाहे वो मनुष्य जाति का हो, लड़के जाति का हो, विद्यार्थी हो, फल हो, सब्जी हो, वस्तु हो, उसकी पूरी जाति। अब सब्जी कहने पर सब्जी में हर प्रकार की सब्जियां का मेल हो गया, लेकिन अगर हम किसी खास सब्जी की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का जो अंतर है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि दोनों में क्या अंतर है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप भी मैं आपको समझाने चल रही हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप समझाने में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कभी कभी कोई विशेष नाम जो होता है उसको हम पूरी जाति के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे स्थिति में वो जातिवाचक बन जाता है, है तो व्यक्तिवाचक ही। छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको, जैसे हम कहते हैं पंडित जी, ये तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे हम कहें आज हमारे देश में विवेकानंद जैसे लोगों की आवश्यकता है। अब विवेकानंद एक खास व्यक्ति का नाम है, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि हमें विवेकानंद जैसा व्यक्ति चाहिए, तो हम समाज के प्रत्येक वर्ग को विवेकानंद जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक रूप में परिणत करते हैं। तो ये हम यहाँ आपको समझाने चल रहे हैं। अब आप देखिए इसको, तो इसको मैं रफ कर दूं पहले क्योंकि इसकी आवश्यकता अब नहीं है, और हेडिंग डाल देती हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग है, तो कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक रूप में प्रयोग करते हैं, कई बार हम
व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक का क्या मतलब हो गया कि विशेष व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा को संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे आज देश को विवेकानंद की आवश्यकता आवश्यकता है। अब नाम देखिए, ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर इस विवेकानंद का नाम जो है हमने जातिवाचक रूप में प्रयोग किया कि आज देश को विवेकानंद की आवश्यकता है, यानी आज देश को विवेकानंद जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। आज समाज की उन्नति के लिए हमें विवेकानंद जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। अब ये विवेकानंद यहाँ पर जो शब्द है, व्यक्तिवाचक होते हुए भी प्रयोग इसका हम कर रहे हैं जातिवाचक के रूप में, यानी हम किसी एक पर्सन के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ हम समाज के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मनुष्य जाति के लिए, इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, मनुष्य जाति के लिए, ये पूरा जो प्रयोग हो रहा है मनुष्य जाति के लिए हो रहा है। ऐसे स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। आपको स्पष्ट हो गया होगा मुझे उम्मीद है। एक दूसरा उदाहरण लिखती हूँ, इसको रब कर देती हूँ, आपको समझा दी हूँ इसलिए बीच में लिखने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको यहाँ रब करके लिखती हूँ। समाज निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए दानवीर दानवीर कर्णों को आगे आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी दानवीर कर्ण शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक है, दानवीर कर्ण शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर हम पूरे समाज के लिए कह रहे हैं, तो ये मनुष्य जाति के लिए कहने लगे। जब हम इसे मनुष्य जाति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक शब्द का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जा रहा है। आप कक्षा 7th में आ चुके हैं तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि कभी कभी हम विशेष व्यक्ति के नाम को समूह के लिए प्रयोग कर देते हैं, जैसे विवेकानंद के नाम को समाज के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया, जैसे कर्ण के नाम को समाज के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया। तो ये विशेष व्यक्तियों के नाम भी जो है जातिवाचक रूप में प्रयोग हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग है। अब मैं अर्थात लिख के समझा दे रही हूँ,
ताकि जिन बच्चों को न समझ में आया हो वो समझ जाएंगे, अर्थात विवेकानंद और कर्ण वास्तव में व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग मनुष्य जाति के लिए किया गया है, अतः ये व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ, अतः ये व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब आपका ये हो गया, अब मैं इतना लिखने के बाद अब भाववाचक संज्ञा समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आगे का बताऊंगी। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा अब क्या है? जिन शब्दों से जिन शब्दों से प्राणियों व्यक्तियों और वस्तुओं के गुण दोष कार्य दशा आदि भावों का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, घबराहट,
घबराहट, महानता, कायरता इत्यादि। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो संज्ञा उसके भेद, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, संज्ञा और उसके भेद मैंने पढ़ा दिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों संज्ञा के भेद के साथ साथ व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, इतना मैंने आपको बता दिया। इसके आगे की चीजों को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।